हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। मैंने ऐसी ही सेम वीडियोस नीट प्रेडिक्शन वाली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बनाई थी जिनका काफी अच्छा रिस्पांस रहा था। बच्चे बोल रहे थे बायो के लिए बनानी है, तो नीट 2023 की बायो के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम साफ देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से उठने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें ये वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम चालू करेंगे तो हम देखेंगे साइंटिस्ट बहुत जरूरी है। हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देख रहे हैं, पास 10 साल के क्वेश्चन देखे, 2-3 साल के क्वेश्चन दोबारा देखे, तो पता चला साइंटिस्ट बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मिनिमम तुम्हारे साइंटिस्ट से उठ सकते हैं, लिनियस, विटेकर, ये सारे तुम्हें लर्न करने हैं। पहले 11th देखते हैं, फिर 12th में आएंगे, और जनरल चीजें बीच में जो दोनों में सेम है वो भी देखेंगे। फिर आते हैं डिसऑर्डर्स में। डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस बहुत जरूरी है, तो डाइजेशन, लोकोमोशन, केमिकल कंट्रोल, जेनेटिक्स, इसमें एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये सब पूछते हैं। रेस्पिरेशन, हार्ट रेस्पिरेशन में एम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया, हार्ट के डिसऑर्डर्स हो गए, डिजीजेस हो गए, जैसे कार्डियक अरेस्ट, ये सब वो लोग पूछते हैं। ठीक है, अब ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे यूजुअली वो डिसऑर्डर पूछ सकते हैं। तो डाइजेशन, लोकोमोशन, केमिकल कंट्रोल, जेनेटिक, रेस्पिरेशन, हार्ट, इनको एक बार कर लेना, इनसे क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम देखोगे पहले डेंटल फॉर्मूला एंड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी एमाइलेज, उनका यूज, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये सब पूछेंगे। आगे जाके लीवर से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, तो लीवर तुम्हें ढंग से पढ़ना है। डाइजेस्टिव जूसेस से बहुत उठते हैं, और एंटेरोकाइनेस से पिछले कुछ सालों में मिनिमम 4 से 5 सवाल उठे हैं, तो एंटेरोकाइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटेरोकाइनेस मिस नहीं करना है। ठीक है, डाइजेशन ये हो गया। अब आते हैं रेस्पिरेशन में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, चैप्टर वाइज डिवीजन है। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन में आते हैं। यहाँ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम्स दिए, टाइडल वॉल्यूम हो गई, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी अलग अलग है, उनका स्पेसिफिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, कौन सा प्लस कौन सा माइनस करके वो आएगा, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। पाथवे पता होना चाहिए, कहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, साइकिल कौन सी चलेगी। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होता है ना PO2, PCO2, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें करके रखना है। अब आते हैं सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन के चैप्टर को जब आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसमें जो जो चीजें हैं उनके डायग्राम्स कैसे, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो अगर हम देखें ओवरऑल में डायग्राम बहुत जरूरी है। ECG का ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए। हार्ट एंड कार्डियक साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना ज्यादा आउटपुट निकलता है, कितना कितना परसेंट होता है। ECG ग्राफ क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। PQRST पता होना चाहिए, ब्लड कॉर्पसल्स। अब आते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में तुम नोटिस करोगे किडनी फंक्शन का रेगुलेशन बहुत आता है। रेगुलेट कैसे करते हो किडनी फंक्शन को तुम, तो रेगुलेशन से पूछते हैं वो। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बहुत पूछते हैं, मेडुलरी रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, कौन सा कहाँ पे एक्सक्रूट करता है, वो सब। टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन उठता है, अब यहाँ यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब से भी सवाल उठेगा। लोकोमोशन में डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक डायग्राम दिया ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का थ्योरी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एच लाइन, सार्कोमेयर जोन्स, इनसे डेफिनेटली वो पूछेंगे। चाहे हो सकता है वो आइडेंटिफाई करने को बोले, हो सकता है वो बोले कि क्या चेंज नहीं होता है जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या चेंज होता है, क्या छोटा होता है, क्या बड़ा होता है वो। जॉइंट्स एंड बोन्स पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं फ्लोटिंग रिब्स कितनी हो सकती है, पूछ सकते हैं कि टोटल रिब्स कितनी, ऑन ईच साइड टोटल वर्ड प्ले करेंगे। न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वगैरह जो चैप्टर है उसमें हाइपोथैलेमस से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आने वाला है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन। लेयर्स पूछ सकते हैं, एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर और पियामेटर, वो सब पूछ सकते हैं। हार्मोन्स पूछेंगे वो, हार्मोन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके अलावा पैराथार्मोन, TCT, ये चार हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन से इनको मिस नहीं करना है। अब देखो चार हार्मोन कौन से हैं जिनको तुम कभी मिस नहीं कर सकते हो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथार्मोन, TCT, इनको नहीं मिस करना है। मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेरॉइड पेप्टाइड का मैकेनिज्म कैसा होता है, कौन सा अंदर तक न्यूक्लियस तक आ पाता है, कौन सा मेम्ब्रेन तक ही रह जाता है। अब आते हैं यूनिट 1 की, अगर हम बात करें 11th की, तो यहाँ फैमिलीज, ऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली ऑर्डर से सवाल पूछेंगे। सीरीज पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइब कब आती है, ट्राइब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब से पूछते हैं वो लोग, ट्राइब पता होनी चाहिए। टैक्सोनॉमिक एज पता होनी चाहिए। फंजाई में एग्जाम्पल
पूछेंगे, वो स्पोर्स पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। फंजाय मुझे लग रहा है वो इस बार पूछेंगे वायरस और वायरॉइड पूछेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बाहर की चीज है। फंजाय वायरस पूछेंगे, हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पूछेंगे, एल्गी में रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गी जो है उनके एग्जाम्पल तुम्हें आने चाहिए, फूड किस तरीके से स्टोर्ड होता है, मैरिटॉल है क्या है वो पता होना चाहिए, और कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर या फिर सॉल्टी वाटर। ठीक है, अब प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक सेम विद एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, खासकर एग्जाम्पल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको मिस आउट नहीं कर सकते हो। इनसे मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन उठने हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन उठने हैं, तो एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक कर लेना। मॉर्फोलॉजी में फेबेसी लिलियसी सोलेनेसी तीनों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तीनों कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, डायग्राम दिया है वो पता होना चाहिए। कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, इनसे तो सवाल उठने ही है। अब एंड्रोशियम गाइनोशियम कैसे है, डाया मोनो पॉली एडल्फस वगैरह वो सब तुम्हें याद होने चाहिए। एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पता होने चाहिए जो कि स्टेम और रूट का आता है, तो इस बार स्टेम के डायग्राम आ सकते हैं। ठीक है, स्टेम के डायग्राम से वो लोग काफी कुछ पूछ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, अब आते हैं टिश्यू में, तो टिश्यू में टिश्यूज एंड जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट में कार्डियक में अलग अलग जंक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से सवाल उठेगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे मिनिमम 2 सवाल उठेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से। क्रोमोसोम टाइप्स तुम्हें पता होने चाहिए, डायग्राम्स दिए हुए, ठीक है, सैटेलाइट और वो सब डायग्राम्स पता होने चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रटने हैं, बॉन्ड्स रटने हैं, एग्जाम्पल रटने और डायग्राम पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। को फैक्टर्स अगर तुम्हें पता है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि को फैक्टर से सवाल लास्ट टाइम भी उठा था, इस बार भी उठेगा, को फैक्टर्स नहीं भूल रहे। अब को फैक्टर्स में मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, वो सब भी तुम्हें याद होना चाहिए। सेल साइकिल में प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोफेज 1 से ही सवाल उठेगा। अब यहाँ 5 टाइप की चीजें होती है, लेप्टोजाइगो पैका डिप्लो डायकेनाइसिस, है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाटीन डिप्लोटीन डायकेनाइसिस पता है। अब यहाँ पे वॉट हैपन्स क्या होता है इस समय पे वो पता होना चाहिए, डायग्राम पता होने चाहिए, इनसे सवाल उठने वाले। उसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए सेल साइकिल में कब कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली बच्चे रटते हैं, फैसिलिटेटेड छोड़ देते हैं, उससे सवाल आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल उठेगा। मिनरल न्यूट्रिशन में राइजोबियम फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा सवाल उठता है, इस बार भी उठेगा, तो राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आना है। नाइट्रोजन तुम्हें पता होना चाहिए किस फॉर्म में एक्यूमुलेट होती है, किस फॉर्म में डिफ्यूज होती है, किस फॉर्म में प्लांट अपटेक कर पाते हैं, NO3 नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारी पावर्स पता होनी चाहिए। एसेंशियल नॉन एसेंशियल मिनरल्स कौन से पता होने चाहिए, कितने हैं, एग्जाम्पल्स क्या है वो पता होने चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए इनके। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो C3 C4 यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह क्रेब्स और वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा, C3 C4 तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस के साथ। अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो वहाँ क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस एंड ATS ये साइकिल होती है, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस ये सारी एक दूसरे से मिली हुई है, तो इनको अगर तुम ढंग से कर देते हो और डायग्राम का स्टेप पता है, एक पेज में पूरा डायग्राम बना एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाओ, बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, कितने ATP जनरेट होते हैं, कितने ATP कंज्यूम होते हैं पता होना चाहिए, तो ATP पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ। अब अगर हम PGR की बात करें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, यहाँ पे हर हार्मोन इंपॉर्टेंट है। अब हर हार्मोन के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, फंक्शन, ऑपरेशन, डिस्कवरी, कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, किस में डिस्कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड एंटागोनिस्टिक कौन से है, जैसे 2 हार्मोन एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड वो पता होना चाहिए। इसके साथ क्लास 11th खत्म। अब आते हैं क्लास 12th नीट 2023 में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th में यही से सवाल उठना है, ठीक है,
पहले आते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों के बीच के डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जाम्पल लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो पॉलन्स पता होने चाहिए, लेयर्स पता होनी चाहिए कि पॉलन ऐसे हार्श एनवायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर पाते, लेयर्स कौन सी थी। पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पता होनी चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन उठेगा। पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के एग्जाम्पल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर की बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऊजेनेसिस, स्पर्म और ओवन फॉर्म कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, कहाँ जाके लैंड होता है, वो इंपॉर्टेंट है। स्पर्म फॉर्मेशन में वो बहुत बार ना बोलते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ कौन सी ऑप्शन में से, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो जरूरी है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुम्हें ये भी जानना है कि वो डायग्राम याद है ना कि एलएच सर्ज कहाँ पे आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में डायग्राम एंड एलएच सर्ज, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एफएसएच कहाँ डिप होता है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ डिप होता है, वो सब पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल उठता है। आईयूडी सवाल उठता है, इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सेप्टेड आईयूडी से उठेगा। डिजीजेस पता होने चाहिए, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, वो सारे। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एंड क्रॉस, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, और वो सब पता होना चाहिए। टेबल्स ढंग से करनी है और एग्जाम्पल ढंग से करनी है। अब इनहेरिटेंस वेरिएशन हो गया, जेनेटिक्स के चैप्टर हो गए, तुम्हें पूरे पूरे पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, ये इसमें बता दूंगा। मॉलिकुलर बेसिस में लैक ऑपरेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जेड वाई ए फंक्शन क्या है, क्या कहाँ मिलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारे तो पता ही है, इंपॉर्टेंट है। एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कितना बजट था, कितना हो गया, ये सब पूछ सकते हैं। एवोल्यूशन, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स एग्जाम्पल क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल डायग्राम के साथ ह्यूमन एवोल्यूशन, अब इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन अगर तुम कर लेते हो तो एक से दो सवाल जरूर उठते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इनका फेवरेट टॉपिक रहता है ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्रेनियल कैपेसिटी तुम्हें पता है तो तुम ढंग से कर पाओगे। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लास्ट में तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एग्जाम्पल्स की बात करें, बैक्टीरियल, वायरल, वॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स कौन से, वो सब पूछ सकते हैं। इम्यूनिटी फेवरेट टॉपिक है, इम्यूनिटी से सवाल आएगा ही आएगा, इम्यूनिटी से सवाल आएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव, अब कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, एक्टिव पैसिव का एग्जांपल क्या है, वो सब। फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स कौन कौन से थे, क्या थे, टेबल्स बनी अंदर, वो सारी कर लेना। माइक्रोब्स, अब इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन, पेक्टिनेस और लाइपेस, ये इनके फेवरेट हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं, फेवरेट एंजाइम है, इनसे वो जरूर पूछेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन, पेक्टिनेस, लाइपेस, जो इनके बारे में पता है, कौन सीक्रेट करता है, कौन नहीं करता है, क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ जाके फंक्शन करते हैं, वो सारे रट लो। चीज बहुत इनका एक फेवरेट टॉपिक रहता है, चीज में डिफरेंट टाइप्स और वो सब याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी वन और टू कंबाइन कर दें क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो इसमें ओरी पता होना चाहिए तुम्हें, अरे ओरी तो मिटी है, ओरी पता होना चाहिए, आरओपी पता होना चाहिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था पता होना चाहिए, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जरूर सवाल उठेगा, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन कैसे अप्लाई होता है, इंसुलिन एंड पोलियो, अब इंसुलिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कैसे बनता था, थर्ड चेन जरूरी थी कि नहीं थी, डायग्राम। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी लोग चुरा ले रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज हमारे पे थप्पा लगा दे रहे हैं कि हमने बनाया था, वो सब। एंड गोल्डन राइस जरूर क्वेश्चन उठता है। इकोलॉजी मतलब लास्ट की जो सारी यूनिट्स हमको कंबाइन कर दिया है, तो पहले प्लस 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 माइनस इंटरैक्शन जो होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। टेबल बना के बोल सकते हैं, ऑप्शंस में दे सकते हैं, एग्जांपल्स याद रखना। पिरामिड जरूरी है, डिफरेंट तीन चार टाइप की पिरामिड है, लर्न करो। डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इतने ये थे इतने ये थे तो कितने बचे, वो सारे। 10% लॉ, न्यूट्रिएंट साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन और इनके एग्जांपल्स, इन सीटू में क्या आता है, एक्स सीटू में क्या आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये पूछेंगे वो। एक्ट्स प्रोटोकॉल्स, सारे एक्ट और प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग आजकल इनका फेवरेट चल रहा है। केस स्टडीज पता होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग मैंने लिखा भी है। तो इसके साथ तुम्हारा 12th खत्म हो गया। वीडियो अभी देखो, मस्ट डू सुन लो पहले,
डायग्राम, डिसऑर्डर डिजीजेस, टेबल्स एंड एग्जांपल्स, यही चीजें होती हैं जिनसे पूछते हैं। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे नीट में आराम से 350 प्लस नंबर आएंगे, आराम से 350 प्लस नंबर आएंगे बायो में, ठीक है। और अगर ये आ जाता है तो तुम्हारे 650 प्लस नंबर आ सकते हैं नीट 2023 में। अब तुम्हें वीडियो जैसी एंड हो रही है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, सारे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे 11 12th के, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट लो, इनको अपनी टेबल के आगे चिपकाओ और इनको फॉलो करो। अभी भी टाइम है, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। ये टॉपिक्स करो, ठीक है, बाकी सारी चीजें मत करो, टाइम कम बचा है, सब में इक्वल फोकस मत दो, पहले ये सारे निपटा दो, उसके बाद बाकी अपना करते रहना। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें। थैंक यू।